तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी, के लिए लेके आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग आप लोग नोटिफिकेशन बार को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऊपर से जो नोटिफिकेशन बार है आपका, उसको आप लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि छोटा सा एप्लीकेशन है गाइस, उसको आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अपने फ़ोन में ज़्यादा एमबी का नहीं है, 5 MB का एप्लीकेशन है, तो इसको करना होगा ओपन। ओपन करने के बाद गाइस आपको अलाउ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर से ये ओपन होता है, उनके बाद गाइस इसको अलाउ करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट फ्री, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस ये आपको पैसा मांगेगा, लेकिन आप लोग पैसा मत देना, ये फ्री में हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जीमेल भी दिख रहा है, एंड इधर से मैं हो जाता हूँ नीचे वाले पे क्लिक, ठीक है, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आ जाता है तीन ऑप्शन, जो है डुअल सिम, उसके बाद एसेसिबिलिटी एंड नोटिफिकेशन। तो डुअल सिम को आप लोगों को अनेबल करना होगा, यहाँ पर अलाउ करना होगा, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको एसेसिबिलिटी में जाके भी आप लोगों को अलाउ कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर एसेसिबिलिटी पे आ गया, एंड एसेसिबिलिटी पर जाके मैं यहाँ पर से अभी इसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैं अलाउ कर दिया इसको, जैसे गाइस इसको मैं अलाउ करता हूँ, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आ जाता है अलाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पर अलाउ भी कर देता हूँ मैं अभी। तो इधर से अलाउ हो गया, तो यहाँ पर से मैं बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद गाइस ये फिर से ओपन हो रहा है मेरा, एंड अभी बज गया है यहाँ पर नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एंड मेरे फ़ोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन गाइस हमारा फ़ोन जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल ही एकदम न्यू लुक में हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अभी बैटरी का सिंबल जो है वो भी चेंज हो गया, एंड पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बार ही चेंज हो गया। एंड गाइस इस नोटिफिकेशन से आप लोगों को कुछ मायने नहीं रखता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से जैसे स्क्रॉल करता हूँ, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बार मेरा चेंज हो गया। एंड इसको गाइस आपको कुछ नहीं करना होगा, सेटिंग को हटा देना होगा, इस वाले एप्लीकेशन को आप लोगों को हमेशा बैकग्राउंड में रन कराते रहना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ, एंड इसके होम स्क्रीन पे चले जाता हूँ। मैं देख सकते हैं यहाँ पर ये होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ इसको, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में आप लोगों को डाल के दिखा देता हूँ अभी। तो इधर से गाइस ये थोड़ा सा इसको मैं कट कर देता हूँ, पैसा मांगता है गाइस, तो इधर से मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पर से आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं गाइस कस्टम बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको मतलब स्किप करके यहाँ पर मतलब स्किप करके गाइस आप लोग यहाँ से आप मतलब वो कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को डाल सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ही नहीं डालूंगा, ये अनलॉक है, यहाँ पर अनलॉक फेवरेट है गाइस। ये आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, एंड बैकग्राउंड में भी आप लोग फ़ोटो डाल सकते हैं अपने नोटिफिकेशन बार के, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो मिलते होगा नेक्स्ट वीडियो में।